देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लाल कुआं से है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा 370 को लेकर की गई बयानबाजी से नाराज भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी और राष्ट्र विरोधी कृत्य की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। यहां भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल मुनी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रभारी निरीक्षक सुधार कुमार को तहरीर दी। हिंदू संगठनों द्वारा दी गई तहरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में राष्ट्र विरोधी ताकतों, राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन कर भारत को कमजोर करने तथा देश की भोली भाली जनता को बरगलाकर दंगे भड़काने के साथ साथ पाक और चीन का समर्थन किया है, जिससे संपूर्ण भारतवासियों में गहरा रोष है। इधर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनी ने कहा कि विगत दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए एक बयान में चीन की मदद से 370 और 35A को पुनः लागू करने का ऐलान किया था, जिसमें देश की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भारत में रहकर भारत का खाता है और भारत विरोधी बातें करता है, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने की मांग की है। आप देख रहे लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। हमारे द्वारा जो है लालकुआं कोतवाली में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के द्वारा जो धारा 370 को पुनः लागू करने के लिए चीन से हमारे राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हैं, ऐसे देश जो हैं, उनसे समर्थन की बात करी गई है और पुनः धारा 370 लागू करने के लिए सहायता लेने की बात की गई है, जो कि पूर्ण रूप से एक उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजन होना चाहिए होता है। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र और संसद में लोकसभा के अध्यक्ष जी को भी एक पत्र लिख रहे हैं कि उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए और उनके ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जन करिए, और भारत के किसी भी कोने में मुकदमा पंजन हो सकता है। अभी हमने उनको बताया, एक उदाहरण भी दिया कि सुशांत सिंह के उसमें दिल्ली महाराष्ट्र में वहाँ की सरकार ने उस पर मुकदमा पंजन नहीं करा, परंतु बिहार में उसके खिलाफ मुकदमा पंजन हुआ और कोर्ट ने उसको माना। तो इस प्रकार से भारत के किसी भी कोने में भारत का नागरिक कहीं भी मुकदमा पंजन कर सकता है और वो करा जाता है। हमारा उनसे यही आग्रह है कि आप करिए, और नहीं करेंगे तो फिर हम आगे की कैसी रणनीति क्या बनेगी उसके लिए करेंगे।